इस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ एक दिन ज्वाइनिंग चलेगा, 1 मई 2024 को। जी हाँ, 1 मई 2024 को जितने भी सारे कैंडिडेट आएंगे, 500 लोगों का रिक्वायरमेंट है। 9 घंटे का यहाँ पे जो सैलरी है, 9 घंटे में 8 घंटे ही काम करने हैं, और 8 घंटे का यहाँ पे जो सैलरी है 18,624 रुपये इन हैंड सैलरी है। पूरा कैलकुलेशन करके, अटेंडेंस बोनस वगैरह मिला करके इन हैंड सैलरी है। साथ में 10,000 से 15,000 रुपये तक इंसेंटिव है, और काम क्या रहेगा, ईकॉम एक्सप्रेस कंपनी है उसके अंदर में काम रहेगा, पैकिंग पिकिंग का काम रहेगा। एंड वेल, ये बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है। इसमें जो 10th फेल कैंडिडेट है वो भी कर सकता है। यहाँ पे बाउंडेशन नहीं कि 10th पास होना चाहिए, 10th फेल भी चलेगा, लेकिन अगर मान लिया स्टोर में कॉलगेट रखा है, कॉलगेट कंपनी का नाम लिखा हुआ है, जो भी कंपनी का नाम लिखा हुआ है वो पढ़ने आना चाहिए। मतलब थोड़ा इंग्लिश नहीं भी उतना आता चलेगा, लेकिन अगर पैकेट देख करके ही सामान की पहचान कर सकता है वो कर सकता है, और बहुत अच्छा खासा अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। 1 मई 2024 को जितने भी सारे कैंडिडेट आते हैं, कंपनी में ज्वाइनिंग करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं, क्योंकि वहां पे कंपनी में 1 मई 2024 को ज्वाइनिंग है, और 30 अप्रैल से ही रज्जाक सर वहां पे प्रेजेंट रहेंगे। कितना, 30 अप्रैल से ही कंपनी में रज्जाक सर प्रेजेंट रहेंगे। जितने भी सारे कैंडिडेट जाएंगे, रज्जाक सर वहां पे सबका ज्वाइनिंग करवाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, सब लोग आँख बंद करके कंपनी में जा सकते हो। एंड मैं ऑन वीडियो बोलता हूँ, ज्वाइनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैं गारंटी लेता हूँ हर एक व्यक्ति का ज्वाइनिंग होगा, क्योंकि रज्जाक सर को से रात में मीटिंग हुआ कंपनी से, रज्जाक सर 30 अप्रैल को ही वहाँ पे पहुँचेंगे। लेकिन अगर कैंडिडेट 30 अप्रैल को पहुँचता है तो ज्वाइनिंग आप एक दिन आपको पीजी लेके रहना पड़ेगा। कंपनी में ज्वाइनिंग 1 मई को ही होगा, चाहे 500 कैंडिडेट ही क्यों ना आए। और आप लोग को सीट बुक कैसे करना है, सीट बुकिंग का भी प्रोसेस इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सीट बुक सबको करके आना है। कैंडिडेट में बल्क ज्वाइनिंग है, कैंडिडेट का बल्क ज्वाइनिंग है, बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। अब बताओ, 8 घंटे का जो सैलरी मिलता है वो 18,624 रुपये। कौन कंपनी 18,624 रुपये 8 घंटे का सैलरी देता है? देन अगर आप कंटिन्यू 12 घंटे काम करते हो तो आपका सैलरी 28,000 रुपये तक बनेगा। एंड काम भी कोई हार्ड नहीं है, एसिड फिलिंग का काम नहीं है, इजी काम है। वेयरहाउस के अंदर में बहुत आराम का काम है। 10th फेल भी चलेगा, कोई मैटर नहीं करता कि 10th फेल है तो नहीं चलेगा, सब चलेगा। एंड यहाँ पे देखो, सैलरी का स्ट्रक्चर्स मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, लेकिन मैं बता दूँ, देखो अगर कोई भड़काता है तो भड़कने से आपका ज़िंदगी नहीं चलता है। घर के अंदर आप बैठ के ये इंस्पेक्शन नहीं कर सकते हो कि मैं 20,000 कमाऊंगा, मैं 40,000 कमाऊंगा। जब तक हाथ पैर नहीं चलाओगे, तो भगवान खुदा सब लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, यानी कि काम करोगे तो आपके लिए बेहतर है, कर्म ही पूजा होता है, ये बात ज़रूर सोचिएगा। इनफैक्ट यहाँ पे हम एक जो कंपनी के तरफ से मेरे को डिस्क्रिप्शन भेजा गया, मैं स्क्रीन पे यहाँ साइड में शो करता हूँ, उसे प्रॉपर देखिए और समझिए। यहाँ पे देख सकते हो ये अर्निंग हेड है, यहाँ पे बेंगलोर स्विगी जो ग्रोसरी स्टोर है उसके लिए यहाँ पे JD भेजा गया है। देखो यहाँ पे मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, आप लोग पढ़ सकते हो कि क्या क्या अलाउंस वगैरह मिलता है। लेकिन यहाँ पे PF भी देखो, यहाँ पे PF कितना मिलेगा, ESIC कितना मिलेगा, PT कितना मिलेगा, ये सारा कुछ लिखा गया इसमें। बार बार टॉकिंग करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ लिखा गया। यहाँ पे टोटल डिडक्शन भी लिखा गया है, यहाँ पे पर मंथ सैलरी कितना है, अटेंडेंस अवार्ड कितना है, सिंपल सा यहाँ पे लिखा गया है। डे शिफ्ट वालों का 16,674 रुपये सैलरी मिलेगा डे शिफ्ट वाले का, ठीक है। यहाँ पे डे शिफ्ट वालों का 8 घंटे का और 26 दिन काम करने का 16,674 रुपये है, नाइट शिफ्ट वालों का 18,624 रुपये सैलरी है, और नीचे जो देख रहे हो 15,700, ये 15,700 रुपये इंसेंटिव कमाने के मौका है। सो नाइट का 18,624 रुपये और डे का 16,674 रुपये है। देखो ज्वाइनिंग कैसे होगा, किस प्रक्रिया को फॉलो करके ज्वाइनिंग होगा, कैसे कंपनी में जॉब्स लगेगी, कैसे 1 मई को कहाँ पे आना है, 1 मई को कहाँ पे आके कंपनी ज्वाइन करना है, उसका डिटेल समझते जाओ। अगर आना है, ज्वाइन करना है, जॉब लोकेशन समझना है तो ध्यानपूर्वक देखो, नहीं तो आप लोग छोड़ के जा सकते हो। मुझे आपसे जो उम्मीद है वो उम्मीद मिलना चाहिए और आपको जॉब्स मिलना चाहिए, बस हमारा यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। मैं कोई ऊपर से भारी भरकम बातें नहीं सोचता हूँ, हवा हवाई में नहीं सोचता हूँ, जॉब लगाने की गारंटी लेता हूँ।
इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि रज्जाक सर 1 मई को वहाँ पर रहेंगे। जो भी गरीब फैमिली के बच्चे होंगे, जो भी होंगे, जाएंगे, सबका ज्वाइनिंग होगा। एंड डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोकेशन भी शेयर कर रहे हैं आपके साथ में। देखिए यहाँ पे देख सकते हो, ये जो जॉब्स यहाँ पे है ग्रॉसरी स्टोर में, काम यहाँ पे 9 घंटे मेंशन किया गया, लेकिन 8 घंटे का काम है, 1 घंटे का ब्रेक है, 26 दिन का काम है। आपको बता दिया, डे शिफ्ट वालों का सैलरी है 16,674 रुपये और नाइट शिफ्ट वाले का है 18,624 रुपये। जब इंटरव्यू होगा उस टाइम में पूछा जाएगा कि आप नाइट शिफ्ट करोगे या फिर डे करोगे। जो व्यक्ति बोलेगा कि मैं डे करूंगा, उसको डे में इतना सैलरी मिलेगा 16,674 रुपये, और जो बोलेगा कि मैं पूरा नाइट करूंगा, उसको नाइट में 18,624 रुपये मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे मंथली इंसेंटिव। अब देखो यहाँ पे सब कंपनी का एक ओवर टाइम का रूल्स रेगुलेशंस होता है कि ओटी उसमें मिलता है, बट इसमें ओटी की जगह कर दिया गया है इंसेंटिव। अब इंसेंटिव में क्या है, 1 घंटे अगर आप काम करोगे तो 80 से 85 रुपये इंसेंटिव मिलेगा 1 घंटे का, 2 घंटे करोगे तो 160 से 170 रुपये इंसेंटिव का मिलेगा। वही हिसाब से 80 से 85 रुपये कैलकुलेशन होता है इंसेंटिव का पर आवर बेसिस। इसमें ओवर टाइम नहीं बोलते, इसमें इंसेंटिव बोलते हैं। तो इंसेंटिव यहाँ पे अगर 4 घंटे, देखो जब काम ये क्या बोलते हैं ऑर्डर्स ज़्यादा रहता है तो काम आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, जब हॉलीडेज वगैरह रहता है तो उसमें सेल ज़्यादा होती है तो काम करना होता है, लेकिन कंपनी 10-10 मिनट का पैसा देती है। अगर 10 मिनट कंपनी में एक्स्ट्रा काम करते हो तो 10 मिनट का भी पैसा कैलकुलेट करके देती है। प्रॉब्लम्स वाली बात यहां पे बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी सारे कैंडिडेट करना चाहते हो बहुत इजी वे में कर सकते हो। देखो अगर आपका काम करने का मन है तो जाके कर ही सकते हो, वरना आप लोग छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं है। सो इंसेंटिव यहाँ पे ऐसा मेंशन किया गया है कि 2000 से लेकर के 15000 रुपये तक इंसेंटिव कमा सकता है, यानी कि इस कंपनी में कम वो कमाएगा 20000 रुपये इन हैंड नाइट शिफ्ट लेकर के, एंड कम से मैक्सिमम 30000 तक कमा सकता है, 30-35000 तक कमा सकता है। ये कैंडिडेट के ऊपर सारा कुछ डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे फेल भी चलेगा, 10th फेल भी चलेगा। एज का बाउंडेशन है 32 साल प्लस वाले कैंडिडेट नहीं चलेंगे, 18 से 32 साल तक का ही क्राइटेरिया खोजा गया। तो 18 से 32 साल तक का जिनका भी एज का लिमिटेशन होगा वही कंपनी में काम करने के लिए योग्य होगा, 32 प्लस वाले इस कंपनी में बिल्कुल भी नहीं चलने वाले हैं, 32 प्लस नहीं चलेंगे, 32 अगर मिनिमम है तो चलेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं सैलरी का, मैंने पूरा डिटेल शेयर कर दिया। काम इसमें पैकिंग, पिकिंग, चेकिंग, स्कैनिंग यही सब होगा, ये सारी चीज़ खत्म हो गई। अगर कोई बिहार से है, झारखंड से है, उत्तर प्रदेश से है, उड़ीसा से है, मध्य प्रदेश से है, वो कैसे आएगा? तो आप लोग को टिकट जो करना है यशवंतपुर बेंगलोर का करना है। कहाँ का करना है? यशवंतपुर बेंगलोर का, रेलवे स्टेशन का नाम है यशवंतपुर बेंगलोर का, ठीक है, यशवंतपुर बेंगलोर का टिकट करना है। टिकट करने के बाद में आप लोग को सिंपली क्या करना है वो भी हम बताएंगे, अभी ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी को यशवंतपुर का टिकट नहीं मिलता है, यशवंतपुर रेलवे स्टेशन का टिकट नहीं मिलता है, वो कराएगा SMBT बेंगलोर का, लास्ट रेलवे स्टेशन है SMBT बेंगलोर का। लेकिन हालांकि सब ट्रेन यशवंतपुर होके ही जाती है, यशवंतपुर अगर आप उतर जाओगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, वैसे SMBT बेंगलोर लास्ट ऑप्शन है, इसमें ज़्यादा कुछ पूछने वाली बात नहीं है। अगर आपको रेलवे स्टेशन यशवंतपुर का टिकट मिलता है आप यशवंतपुर में उतर जाना, अगर नहीं मिलता है तो SMBT भी उतर सकते हो। अब बात रही कि वहाँ पे टिकट करा के आने के बाद में क्या किससे कॉन्टेक्ट हमें करना होगा, तो कॉन्टेक्ट करना है पर्सनली हमारी टीम मैनेजमेंट से। देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हूं, जो कि यही जॉब्स के लिए जो रहेगा, मतलब प्रॉपर रहेगा, ये जॉब्स के लिए रहेगा, इसी जॉब्स का रहेगा। तो यहां पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हूं, इस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक में जुड़ जाओ, और जो भी कैंडिडेट आना चाहते हो, सीट बुक कैसे करना है, अपना टिकट निकालो, तत्काल टिकट निकालो या फिर वेटिंग टिकट निकालो या फिर कुछ भी निकालो, आप लोग 1 मई को आ जाओ, इससे बेहतर कंपनी नहीं मिलेगा। और हाँ एक चीज़ और, लोग पूछेंगे कि रहने खाने की सुविधा क्या है, तो रहने खाने के लिए PG आपको लेना पड़ेगा, लेकिन ये सोच लेना जो PG लेगा ना वो पॉजिटिव माइंड का होगा, वो 100% काम करने वाला होगा, क्योंकि PG वही लेगा जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, काम करने वाला होगा। PG का मतलब क्या है कि PG का मालिक जो होता है वो PG प्रोवाइड कर देता है बेंगलोर लोकेशन में 4.5-5 हज़ार रुपये में, जिसमें रहना, 3 टाइम का खाना, वाईफाई, गर्म पानी, ठंडा पानी सब कुछ मिलता है, A to Z मिलता है, वॉशिंग मशीन भी मिलता है। तो वहाँ पर रज्जाक सर प्रजेंट में कल भी गए थे, बात हुआ था, वहाँ पर PG बहुत अच्छा है, 4.5-5 हज़ार या फिर 5500 रुपये मैक्सिमम में PG मिल जाता है। फिर भी आप
9 घंटे के 26 दिन के अगर नाइट शिफ्ट करते हो तो आपका अर्निंग जो रहेगा 14 से 15 हज़ार रुपये आराम से खा पी के रह के इन्वेस्ट जो भी है आपका पर्सनल एक्सपेंसेस है वो सब करके बच जाएगा। तो फिर भी ये अमाउंट कम नहीं होता, बहुत बेस्ट अमाउंट है। इनफैक्ट पीजी का जो आपको पैसा पहले लेके जाना पड़ेगा, पीजी का पैसा पूरा लेके जाना है। पीजी में हम लोग कोई हेल्प नहीं कर सकते, ये कोई चार्जेबल अमाउंट नहीं है, ये कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, ये जो तुम लोग रहोगे खाना खाओगे उसका पैसा है, रहने और खाने का पैसा है। और जो रहने खाने का पैसा है इसमें आप लोग को खुद से मैनेजमेंट करने होंगे, मैं इसमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। तो रहने खाने का पीजी का पैसा है वो पीजी के मालिक को देना है, ना कंपनी के एचआर को देना है, ना मुझे देना है, ना किसी को देना है, आपको पीजी के मालिक को देना है। आप चाहो वहाँ पे रिलेशनशिप है, आप रूम लेके भी रह सकते हो। जॉब लोकेशन क्या है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो जॉब लोकेशन इसका जो है यहाँ पे मैंने बताया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके देख लीजिए। एंड यहाँ पे जितने भी सारे जॉब्स होते हैं वो फ्री होते हैं, जॉब्स का पैसा नहीं है, ये मत भूल जाना कि ये पीजी के बारे में मैं बताया हूँ। पीजी जो होता है रहने खाने की सुविधा होती है उसके बारे में बताया हूँ। और अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी आई है, एक बार सेटलमेंट हो जाओ, क्योंकि आया था रिक्रूटमेंट इससे पहले फ्लिपकार्ट बेंगलोर में, लोग ज्वाइन नहीं किए, बाद में पछताए, लेकिन अभी ज्वाइनिंग कर दोगे ना फिर बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होने वाला। 100% जॉब्स के लिए भटकना नहीं है इधर उधर, और जॉब्स 100% मिलेगा, बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है। इस मौके को ना गवाए, रज्जाक सर 1 मई को वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, जितने भी सारे कैंडिडेट जाएंगे 500 कैंडिडेट भी जाएंगे, सबका ज्वाइनिंग करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका और हमारी टीम मैनेजमेंट का है, दिक्कत नहीं होगा। लेकिन पीजी का पैसा लेके जाना बाद में एक्सक्यूज़ करोगे तो हम ये वीडियो का लिंक भेज देंगे आपको कि देख लो मैंने पीजी के बारे में बताया है या फिर नहीं बताया, ये आपकी गलती होती है वीडियो पूरा नहीं देखते तो। क्योंकि रहने खाने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैनेजमेंट करना होता है, और जिनका पॉजिटिव थिंकिंग होता है रहने खाने का पैसा लेके जाते वो 100% काम करने वाले व्यक्ति होते हैं। लेकिन जो अनरिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं वो कहेंगे सर मेरे पास पैसा नहीं है, गरीबी है, ये हो गया, तो मेंटेन करके चलना पड़ता है। आपके माताजी और पिताजी भी जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कहीं बाहर मेरा बेटा जा रहा है तो उसे पैसे की नीड होगी, दरकार होगी, ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। वैसे जॉब का रिक्रूटमेंट तो मैं आप हमेशा से शेयर करता रहा हूँ और करता ही रहूँगा। मिलते हैं कोई नई रिक्रूटमेंट में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, उसमें एडमिन हमारी टीम मैनेजमेंट है, आप लोग एडमिन को मैसेजेस कर सकते हो, डायरेक्ट यशवंतपुर या SMBT का टिकट निकाल के भेज सकते हो, और 1 मई को कंपनी आके ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज।